वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम इसका परसेंटेज का बेसिक पार्ट दे चुके हैं। आज से हम पूरी जो बुक है, परसेंटेज टॉपिक है, पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और जो भी अच्छा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 400 का 20% ज्ञात करो। हमने बेसिक में बताया था, ये स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक भी देखना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो भी क्वेश्चंस करें अच्छे से सॉल्व हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 400 रुपए का 20% ज्ञात करो। मैंने बताया है काम इस मल्टीप्लाई होता है 400 × 20/100। सॉल्व करोगे, ये थोड़ा ध्यान से देखना, बच्चे क्या गलती करते हैं। जैसे इस जीरो से ये काटी, इससे ये काटी ना, सारे ऊपर भी कट कर देते हैं, लेकिन जितनी जीरो नीचे उतनी ऊपर आपको कट करनी है। जब भी मल्टीप्लाई करो तो डिजिट का पहले कर लो, 2 × 4 = 8, जो एक जीरो बची है उसको लगा दो, तो आपका आंसर आएगा 80 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 200 रुपए का 16% ज्ञात करो। देखते हो सवाल है, सबसे पहले आपको करना है, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। 200 रुपए का गुणे 16/100, जब आप सॉल्व करोगे, जीरो से जीरो कट हो गया और 16 × 2 = 32, अब कह सकते हो आंसर कितना हो जाएगा, 32। लीजिए ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आपको सॉल्व करना है फिर हमको देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 800 है। विद्यार्थी में लड़की भी आते हैं प्लस लड़कियां भी आती हैं। यदि लड़कियां 30% हैं तो बताओ स्कूल में कितने लड़के हैं। जब आपको मालूम है विद्यार्थी में लड़के प्लस लड़कियां दोनों आती हैं तो 800 है, लड़कियां 30% हैं, परसेंटेज में अपने आप में वैल्यू 100% होती है, लड़कियां 30% हैं तो लड़के कितने, 70%, तो मुझे 800 का 70% निकाल लो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 800 का 30% निकालो, लड़कियों की डिजिट में वैल्यू मिल जाएगी, जो भी वैल्यू मिले उसको 800 से माइनस कर दो। आइए सॉल्व करते हैं, 800 का 30% निकाल लीजिए, 70% निकाल लो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 30% लड़कियां हैं तो लड़की कितने होंगे, 70%, तो 70/100। जब सॉल्व करोगे, 0 से 0 कटोगे, 7 × 56 आपको मिला कितना, 560। जी क्वेश्चन है आपका, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी धन के 40% का मान 120 रुपए है तो वह धन ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, और इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम पे, 100% मिलेंगे, तो इसको अच्छे से समझना है। इस प्रकार से हम करते हैं, किसी धन, जब यह सवाल मिल जाए धन को x मानो, x का 40%, 40/100 = 120, और ऊपर नीचे एक मान लो तो वैल्यू 120 ही रहेगी, और आपको पता होना चाहिए ऊपर नीचे काट सकते हैं, आमने सामने हम कट कर सकते हैं, तो 0 से 0 कट हो गया, 4 से कट करोगे, 4 × 3 = 12 यानी 30, तो ऊपर 100 बचा, नीचे 30 बचा, नीचे 10 = 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x कितना हो जाएगा, 300। ऑप्शन नंबर ए, किसी बच्चे को अगर x से डर लगता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे इसने कहा है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर हम धन की जगह x ना माने तो 100 मान सकते हैं, और 40% का मान दिया 120, तो और पता होना चाहिए जो डिजिट की वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, जैसे इसको हम सेकेंड मेथड से करते हैं, सेकेंड मेथड, जैसे इसने 40% का मान 120 दिया है, तो हम बोल सकते हैं 120, जब भी आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, जब भी क्वेश्चन करो तो
तो हमेशा याद रखना डिजिट की वैल्यू हमेशा ऊपर, जो परसेंट वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आती है, तो 40 का आ गया आपका नीचे। धन निकाला है तो यानी धन जब भी मानते हैं तो 100 मानते हैं तो गुणे 100। एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो बेटे 0 से 0 और 3 का 12 तो 3 × 100 कितना हो जाएगा 300। ये आपका आंसर। जिस बच्चे को एक्स से अगर डर लगता है तो आप इजी तरीके से बचा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है आपका, रघुवीर की मासिक आय 1600 रुपए है, उसकी मासिक आय में 40 रुपए की वृद्धि हुई तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर कोई भी चीज 40 रुपए बढ़ी है तो बढ़ी किससे, 1600, तो डायरेक्ट आप 40/1600 × 100 कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ₹1600 में 40% वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई 40 की हुई किससे, 1600 से, तो 1600 नीचे इंटू 100 करोगे तो 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, 4 × 4 = 16, तो ऊपर 10 नीचे 4 और सॉल्व कर लो आप। और जब भी कट करते हैं समान संख्या से कट करते हैं, कह सकते हैं हम एससीएफ से कट करते हैं, तो दोनों में एससीएफ 2, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 5/2, 5 का आधा यानी 2.5, तो कह सकते हो 2.5%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेहनत कम समझ में आता है जिससे हम बोल रहे हैं, तो आपको भी मन मन में बोलना है, जिस प्रकार से हम बोलो कर रहे हैं क्वेश्चन को, इस प्रकार से आपको हमें बोलो करना है जिससे कि आपको इजी लगने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देसी घी का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम था, 50 रुपए, देसी घी का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम था, हम बोल सकते हैं 1 किलोग्राम घी का मूल्य कितना है, 50 रुपए। 1 किलोग्राम घी का मूल्य 50 रुपए है, महंगाई के कारण मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 50 का 10% की वृद्धि हो गई, तो प्यारे बच्चों 10% 50 का कितना होगा, जब आप सॉल्व करोगे 50 × 10/100, तो हम कह सकते हैं वृद्धि हुई है 5 रुपए की। परसेंटेज में 10%, डिजिट में कितनी वृद्धि, 5 रुपए की, तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम जो घी का मूल्य हुआ है वृद्धि की वजह से वो कितना हो गया, 55 रुपए। आपसे पूछा है 2 किलोग्राम घी का मूल्य, तो 1 किलोग्राम का 55 है, 2 किलोग्राम का निकालोगे 2 × 55, तो हम बोल सकते हैं 110 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी, ये आप याद भी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मैंने इसको बेसिक में बताया है। क्वेश्चन नंबर आप 7 को सॉल्व करोगे, एक बटे चार को प्रतिशत में बदलो, 1/4 आपकी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन चेंज जो परसेंटेज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100, 1/4 को प्रतिशत में बदलोगे प्यारे बच्चों तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से हम काटेंगे 25 यानी 25 × 100, तो आंसर कितना जाएगा इसका 25%। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 0.25 को प्रतिशत बदलो, जो 0.25 है ना ये फ्रैक्शन का ही पार्ट है, सिर्फ डरना नहीं है बिल्कुल आपको, 0.25 जब भी डेसिमल को हम हटाते हैं तो एक आता है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है 0, 2 डिजिट 2 0 और परसेंट, ये 25% क्या होगी, फ्रैक्शन होगी, आपको परसेंट चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 करोगे आप तो 100 से 100 कट, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 25%। इजी क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेंगे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, तो थोड़ा नजर बनाए रखिएगा और देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मिश्रण यानी कि मिक्सचर, जो दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं तो मिश्रण बनता है, जैसे आपने शरबत पिया होगा, शरबत में चीनी पानी नींबू, तो हम बोलते हैं मिश्रण है।
तो इस प्रकार से मिश्रण जो है 200 लीटर का, मिश्रण कितना बचे 200 लीटर का, 200 लीटर का मिश्रण है और मिश्रण में 75 लीटर एल्कोहल है। अगर एल्कोहल की बात की जाए तो 75 लीटर, पानी कितना है शेष पानी है, उसने बोला है पानी शेष पानी है, तो 200 लीटर में 75 लीटर एल्कोहल है तो पानी कितना बचा, 200 में से आप 75 माइनस करोगे तो 125, तो 125 लीटर क्या हो गया इसका, पानी हो गया। बताओ मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है, जब भी पानी की अगर प्रतिशत पूछी जा रही है, जब भी परसेंट किसी की भी निकलवाए तो टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है और पानी इतना है कितना 125 लीटर और टोटल क्वांटिटी कितनी है 200 और ये फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज करते हैं तो इनटू 100, जीरो से जीरो कट करते हैं, 125 का आधा, 125 का आधा कितना 62.5%, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखते हैं और आप इसको करते रहिए, जो भी डाउट बनते हैं आपके आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझको ये समझ नहीं आ रहा है तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे आपको। यदि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है आपको या आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं तब भी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम माई प्रॉब्लम। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सन 1986 में एक नगर की जनसंख्या 1.5 लाख थी, 1,50,000, 1986 में 1,50,000। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई है, एक साल का गैप है 1986 से 1987, यानी कि एक साल में 10% की वृद्धि हो रही है, तो मुझे 10% निकाल लो, परसेंटेज में 10% डिजिट में कितना आएगा, तो आप जब निकालोगे 1.5 लाख का 10% अपॉन 100 करोगे आप, जीरो से ये कट इससे ये कट तो कितना 15,000, 1.5 लाख से यानी कि हम कह सकते 15,000 बड़ी है जनसंख्या, तो कितनी हो जाएगी एक साल बाद बेटा 1,63,000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है। सुरेश की कुल वार्षिक आय 30,000 रुपए है, वह कुल आय का 60% अपने पुत्र को, 30% अपनी पुत्री को देता है, तो बताओ उसके पास कितना कितना धन बचा। क्वेश्चन नंबर 11, कुल वार्षिक आय 30,000 को कमाता है, 30,000 कमाकर वह अपने पुत्र को 60% देता है, 60% निकालने के तो डिजिट में वैल्यू कितनी आएगी हम वो देखते हैं, 30,000 का 60% आप ज्ञात करोगे तो आसान है आपका, 30,000 × 18/100, जीरो से ये कट इससे ये कट, तो जीरो को हम बाद में लेंगे तो इन्हें मल्टीप्लाई करते डाले 18 की कितना 54 और कितना जीरो है, तो हम कह सकते हैं पुत्र को देता है 5,400 रुपए। वो अपने पुत्र को 60% देता है, 30,000 × 60% = 60/100, ये जीरो से एक कट इससे एक कट, जीरो हम बाद में देखेंगे, 36, 18, 3, 0 यानी कि कितना रुपए देता है 18,000 अपनी पुत्री को, 30% पुत्री को देता है बेटा, 30,000 का 30% निकालोगे, 30,000 का 30% तो ये जीरो से एक कट इससे एक कट, 3×3 = 9 कितना जीरो बेटा 3, तो ये पुत्री को दे रहा है 9,000, उसने 18,000 पुत्र को दिया है, 9,000 पुत्री को दे रहा है,
टोटल उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना दिया उसने, 18,000 प्लस 9,000 27,000, टोटल है कितना 30,000। तो उसके बाद जो बचा है, जो बची राशि है, बची राशि 30,000 माइनस 27,000 कितना बचेगा अपना 3,000। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3,000। पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे बने रहिए। आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, बस आप जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 मोहन को प्रति माह 150 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, एक महीने का खर्चा उसे मिलता है 150 रुपए। यदि वह प्रति माह 40% धन बचाता है तो एक वर्ष में वह कितना धन बचाएगा। उसे 150 रुपए मिला, उसको 150 रुपए मिला और प्रति माह 40% धन बचाता है, बचाता कितना धन है 40%। आप 150 का 40% निकालोगे, आप 15 कितना 60, तो हम कह सकते हैं धन बचाता है 60। एक महीने में धन बचा रहा है 60, एक वर्ष में वह कितना धन बचाएगा। एक वर्ष में महीने होते हैं 12, एक महीने बचाता है 60, एक महीने बचाता है 60, एक वर्ष में होते महीने 12, तो 12 महीने यानी 12 × 60 आंसर आ जाएगा आपका 720। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहतरीन सवाल है, हेडिंग देखते हैं। अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, जो टोटल है कुल पूर्णांक है, कुल पूर्णांक है बेटा कितना है वो 30%, 500 कुल पूर्णांक कितना है 500, 30% अंक प्राप्त किए, 500 का 30% अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, 500 का 30% निकालोगे आप, 500 × 30/100 इस 0 से ये कट, इससे ये कट, 5 × 3 = 15 यानी कि 10। उसने प्राप्त किए 150 अंक और वह 15 अंक से फेल हो गया। ये बताओ बच्चों, अगर उसको हम 15 अंक दे दिए जाएं तो क्या वो पास नहीं होगा। उसने प्राप्त किए 150, फेल हुआ कितना 15, अगर वह 15 को फेल हुआ है वो उसको अंक दे दिए जाए तो कितने अंक पास हो जाएगा 165। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं हम आपका। चालीस का चालीस परसेंट का गुणा है 40/100, इस 0 से ये कट, इस 0 से ये कट, और 4 × 16 कह रहा है 60 का 40% कानून गुणे 40/100, इस 0 से एक कट, इससे एक कट, 6 × 4 = 24, अब ऐड करो कितना जाएगा 40, लेकिन ऑप्शन भी तो है नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई बना सकते हो आप 40 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा 40 हो जाएगा, इसमें आपके ऑप्शन गलत है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एक स्कूल में 225 लड़के तथा 150 लड़कियां हैं, लड़के की संख्या है 225 लड़कियां, गर्ल्स गर्ल्स हैं अपनी 150, और जो टोटल बनेगा उनकी जब प्रतिशत निकालते हैं तो मुझे टोटल चाहिए होता है 225 प्लस 150 यानी कि 325 प्लस 50 375, पूरा करना बना है 375। स्कूल में लड़कियों की प्रतिशत संख्या पूछी है तो लड़के टोटल लेंगे कितनी 150, नीचे आता है पूर्णांक 375 × 100, जब सॉल्व करोगे 25 से काट करते हैं, 25 बन जाए 125, 12 25 बन जाए 125, 25 × 100
15 10 जा 150 10 4 जा 40%, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। हमारे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक परसेंटेज आपका पूरी तरीके से फिनिश है, यदि कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बनते हैं तो मैसेज करें, वो कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, या कोई भी अदर क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है तो आपको आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इससे जरूर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आ रही है। 9149008362 जैसे व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते होंगे ये आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और हम इसी उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं आपकी नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।